गाइस, आज हम आ गए हैं दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर में, जो कि प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 28 नवंबर तक लगाया जाता है। और ये 18 नवंबर तक बिजनेस क्लास के लिए था, उसके बाद 19 नवंबर से ये पब्लिक के लिए खोला गया। तो मैं 19 नवंबर को गई थी, जो कि वीकेंड का डे था, और इसमें वीकेंड पे इसका टिकट 150 रुपीज़ का पर पर्सन होता है एडल्ट के लिए, और बच्चों का 80 रुपीज़ होता है। तो इसमें 12 हॉल हैं, जहां पर ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया गया है। इसमें बहुत सारी विदेशों की चीज भी आती हैं, और अपने या यहाँ के अलग अलग स्टेट की भी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि यहाँ पर कुछ चीजें जो हमारे लोकल मार्केट में भी हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। अब उनका प्राइस लगभग 50 से 60% ना ज्यादा था। अगरबत्ती का स्टॉल बहुत अच्छा था, उसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगी। वैसे कहते हैं कि इसे देखकर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ये लोग डिस्प्ले में अलग चीज़ रखते हैं और हमें कुछ और दे देते हैं। लेकिन मैंने जब घर आके यूज़ की तो उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी, और मुझे लगा कि मैंने सही चीज़ ली है। और रेट वाइज भी वो मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि जो कॉम्बो पैक था वो काफ़ी रीजनेबल रेट पर था। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ मुझे कॉस्टली भी बहुत लग रही थी, जैसे कि मैंने कॉस्मेटिक्स के सामान देखे तो वो भी मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे, जो कि बाहर भी उससे कम प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। और कपड़े भी मुझे थोड़े वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे, बाहर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं वहाँ से, और नॉर्मल कपड़े वही लग रहे थे मुझे। फिर वहां से हम फूड कोर्ट में आ गए, जो कि फूड कोर्ट तो वहां का सबसे महंगी चीजें मुझे फूड कोर्ट में ही लगी, क्योंकि बाहर नॉर्मल मिलने वाला 80 रुपीज़ के छोले भटूरे की प्लेट वहां पे 150 की ही थी। तो मैं किसी को भी जो भी वहां जाए तो ये सजेस्ट करूंगी कि अपना टिफिन साथ लेके जाए, क्योंकि कोई भी चीज वहां पे क्वालिटी वाइज तो खैर ठीक ठाक ही थी, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा महंगी थी। एग रोल जो बाहर 50 रुपीज़ में मिल जाता है, वहां पे 150 का था। हर चीज वहां पे 150 रुपीज़ पर प्लेट ही थी। और नॉर्मल साइज का एक बहुत छोटे साइज का डोसा भी वहाँ 150 रुपीज़ का था, जो कि बाहर हमें 80 से 100 रुपीज़ में इजीली मिल जाता है। वैसे बाहर के लोग सब बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड फेयर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको सच्चाई ही बताऊंगी कि अगर आपको जरूरत ना हो तो यहाँ से कोई चीज ना खरीदें, क्योंकि सभी कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली था। कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह भी, जो कि नॉर्मल बाहर यहाँ से हाफ रेट में मिल जाता है। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी थी जो शायद बाहर ना मिले, ये मेलामाइन की ये इम्पोर्टेड क्रॉकरी थी, जो अच्छी थी और रीजनेबल रेट पर थी, मुझे ये सही लगी। बाहर भी ये इसी रेट में मिल जाती, और कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा महंगी थी ना। हॉल नंबर 10 में सारा फूड का सामान था, जो वहां पे अपने खाने की चीजें बहुत सही रेट पर मिल रही थी। जैसे कि ये आनंदा के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी थे, और रेट वाइज भी 20 रुपीज में खीर और 20 रुपीज के ही उनके सारे प्रोडक्ट थे, जिसमें खीर थी और लस्सी थी ड्राई फ्रूट वाली। इस तरह की कई सारी चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी, क्वालिटी वाइज भी और टेस्ट वाइज भी और रेट वाइज भी। उस हॉल में इतने सारे खाने के स्टॉल थे कि अगर आप सिर्फ टेस्ट भी करते जाए ना तो आपका पेट भर जाता, और वो सब लोगों को दे भी रहे थे टेस्ट करने। ड्राई फ्रूट्स वगैरह के जो स्टॉल थे, कुछ सीड्स मिक्स थे जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन वही बात है कि रेट वाइज वो मुझे कॉस्टली लग रहे थे। गिलोय की हर्बल टी मुझे बहुत अच्छी लगी, टेस्टी भी लगी, और इसके बेनिफिट जो उन्होंने बताए वो मुझे सुन के लगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसकी कॉस्ट 500 रुपीज़ हाफ के जी ऐसे ही थी। मणिपुर का स्टॉल था, जहाँ पे ये लेडी बड़ी खूबसूरती से डांस करके सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी।
फूड वाले होल नंबर 10 से निकलकर हम लोग जूट वाले होल में गए, जो कि वहां पे जूट से बने हुए सामान ही सब जा मिल रहे थे। और वो वहां पे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्टेट के जूट से बनाने वाले भी आए हुए थे। जैसे ये आसाम से आए हुए थे, तो इन्होंने जो जूट के सामान बनाए थे ना, वो बहुत अच्छे बनाए हुए थे। छोटे-छोटे टॉयज थे जो काफी सुंदर भी थे और बहुत रीजनेबल रेट पर भी थे। जैसे ये छोटा सा एलिफेंट है, ये 50 रुपीज का था, लेकिन कुछ चीजें जैसे ये डोरमेट थे, ये बाहर 500 समथिंग में मिल जाता, लेकिन वो 900 इसकी प्राइस बता रहा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जूट के वो सामान सब बहुत सुंदर थे, जो नॉर्मल हमें यहाँ के मार्केट में नहीं मिलते हैं, जो मैंने यही ट्रेड फेयर में देखा है कि उन्हें इतनी खूबसूरती से बनाया गया था। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी एक छोटा सा मॉडल बनाया गया था, और जूट के बने डोरमेट वगैरह और लकड़ी से भी वहाँ कुछ सामान बनाए गए थे, बैम्बू से भी बनाए गए थे, जो कि बहुत अच्छे थे। और वहाँ पर डिस्प्ले में एक मशीन रखी गई थी कि किस तरह जूट को उससे तैयार किया जाता है, और उसके बाद ये सारे सामान बनाए जाते हैं। ये पूरा हो लघु उद्योगों को के बारे में ही बताने के लिए वहाँ पे लगाया हुआ था। उसके बाद हम वहां से बाहर आ गए और फिर हम दूसरे हॉल में गए, जहाँ पे कि एक तो वो थोड़ा कंजेस्टेड भी था और वहां पे रश बहुत ज्यादा था, क्योंकि थोड़ा सा ना वो वहां पे क्राउड फील हो रहा था। जगह कम थी और लोग ज्यादा लग रहे थे। तो वहां पे डेकोरेशन का वुड से बने हुए ये सामान बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनके प्राइस तो बहुत ही ज्यादा थे। ये सब चौकी इस टाइप की हमारे नॉर्मल मार्केट में भी हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजें थी जो कि नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती हैं, सिर्फ यहीं पे मिलती हैं। कपड़े मैंने देखे जो कि वहां पे ज्यादा महंगे लगे मुझे, और बाहर वैसे उस टाइप के कुछ कपड़े मिल भी जाते हैं। और जूट के बने ये कुछ सामान वहां के हॉल में भी लगे हुए थे। हर हॉल में थोड़ा थोड़ा अपने अपने उसका अलग अलग सामान लगा हुआ था। मेघालय के स्टॉल में भी हम गए, जो कि वहां पे मुझे कुछ ऐसा ज्यादा लगा नहीं। कुछ चीजें वहां पे मुझे ऐसा लगा कि हम निराश ही हुए वहां पे जाके, कि कुछ मेघालय जैसे कि लग रहा था कि नाम ऐसा है कि पता नहीं हमें वहां क्या देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। तमिलनाडु वाले स्टॉल में भी गए। फिर उसके बाद हम होल नंबर 7 में आ गए, जहाँ पे कि हमें वही जूट का कुछ सामान दिख रहा था, और फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह थी जो नॉर्मल बाहर भी मिल जाती है, सब वही था। लेकिन ये जो जूट की बनी हुई ये पेंटिंग थी, ये वाकई में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनकी जो 4000 थी, जो बहुत ज्यादा थी। और वहां पे जूट के झूले भी मिल रहे थे, जो कि बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। जूट की बनी हुई जो ये डॉल थी, ये वाकई में बहुत खूबसूरत थी, और ये कोलकाता, केरला और आसाम, इन जगह की अपने अपने जो वहाँ के ट्रेडिशनल डांस होते हैं, तो उन्हीं की उन्होंने ये डॉल बनाई थी। लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक डॉल जो छोटी सी थी और वॉशेबल भी नहीं थी, 1000 रुपीज उन्होंने उसकी प्राइस बताई थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इन्हें ले लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये एक तरह से पैसे वेस्टेज ही है, क्योंकि इनको फिर हम वॉश भी नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे ये गंदी हो ही जाती। लेकिन ये चीजें हमें नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलती हैं, सिर्फ वहीं के लोग इन्हें शायद बनाते हैं, और ये बहुत खूबसूरत थी। तो अगर आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि वैसे ये डेकोरेशन में बहुत सुंदर चीज है और एकदम यूनिक भी लग रही थी मुझे। उसके बाद हम बाहर आ गए फूड कोर्ट में। ये दूसरा फूड कोर्ट था, पहला फूड कोर्ट हॉल नंबर 12 के बाहर था, और ये सेंटर में था, जो बहुत बड़ा बनाया गया था और काफी अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे खाने के लिए, बैठने के लिए भी पूरे में कारपेट बिछे थे। जितना ज्यादा वहां पे रश था ना, उतना वहां पे उसको मैनेज कर लिया इस फूड कोर्ट ने। लेकिन खाना वही के बहुत ज्यादा कॉस्टली था, हर चीज 150। फूड कोर्ट के बगल में ही वहाँ पे म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था, जो कि काफी अच्छा था और सुनने में अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम हॉल नंबर 5 में गए। वहाँ पे हेल्थ के बारे में सारे कैंप लगे हुए थे, कि बच्चों की, बड़ों की हेल्थ के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। वहाँ पे इंडियन रेलवे के बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ था, जहाँ पे बच्चे बहुत खुश होकर उन्हें देख रहे थे।
रेलवे के डिस्प्ले के बगल में ही वहां पे एक ये स्टॉल लगा हुआ था जिसपे कि ये शो पीसेस मिल रहे थे, लेकिन इनकी कीमत सुन के तो मैं हैरान ही रह गई। ये नॉर्मल से दिखने वाले शो पीस की कीमत वहां पे 10,000, 8,000, 12,000 इस तरह से बताई, जो कि मुझे सुन के हैरानी हुई कि ऐसा इनमें कुछ भी नहीं था। हाँ, ये ओनेक्स मार्वल वाली चीजें थोड़ी अच्छी थी और दिख भी रही थी अच्छी, लेकिन इनकी भी कीमत बहुत ज्यादा थी। वहां पे नॉर्मल ये चूड़ियां बाहर जैसी ही थी जो हमें नॉर्मल बाहर के मार्केट में मिल जाती हैं, वहां ये और भी ज्यादा महंगी। पहले अलग अलग स्टेट के हो जो स्टॉल लगाए जाते थे वो अलग अलग हॉल में लगाए जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सारे स्टेट के जो स्टॉल थे ना वो कई सारे स्टेट के एक ही हॉल में लगा दिए, जिससे ना वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी था और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड भी हो गया था, रश भी बहुत ज्यादा हो गया था, चीजों को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वीकेंड पे वीकेंड का डे था इसलिए बहुत ज्यादा रश भी था। वहां पे राजस्थान का जो स्टॉल था वहां पे जाके काफी बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि वो जो उन्होंने वहां पे म्यूजिशियन बैठाए थे काफी अच्छी बांसुरी बजा रहे थे। केरला के स्टॉल पे भी बहुत सुंदर ये उन्होंने वहां की डॉल बनाई हुई थी, लेकिन इनकी कीमत उन्होंने 2,500 रुपये पर पीस रखी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बहुत सुंदर थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन सबकी प्राइस बहुत ही ज्यादा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी वीकेंड पे वहां ना जाएं, वीकडे पर ही जाएं अगर आप समय निकाल सकें तो, क्योंकि वीकेंड पे जाने का कोई फायदा ही नहीं, आप चीजों को अच्छे से देख नहीं सकते। और वीकेंड का टिकट भी वीकडे के टिकट से जस्ट डबल था। वहां पे पंजाब के स्टॉल पे वहां एक ऑर्गेनिक खिचड़ी मिल रही थी जो कि काफी अच्छी लगी मुझे, वो टेस्ट के लिए भी दे रहे थे और उसका प्राइस भी बहुत सही था, कि उनका कहना था कि ये उन्होंने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है, ये दाल और चावल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं, तो वो मुझे काफी अच्छी लगी। कि उसका प्राइस भी 85 रुपीज पर केजी था जिसपे के दाल और चावल दोनों मिक्स थे, तो मुझे वो काफी ठीक लगी। आंध्र प्रदेश और गोवा के स्टॉल नॉर्मल लगे मुझे, कुछ भी ऐसा यूनिक चीज नहीं लगी कि जो बिल्कुल अलग लगी हो कि ये वहां की है, तो कुछ स्पेशल था उसमें, एकदम नॉर्मल था सब कुछ। राजस्थान वाले स्टॉल पे आके मैं थोड़ी डिसअपॉइंट भी हुई, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वहां पर उस तरह के कपड़े या वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, नॉर्मल थे। और जो वहां पे शोपीस थे आप चाहे तो इनकी कीमत पूछ के इनके इन्हें ले भी सकते थे जो काफी कॉस्टली थे, वरना इनके साथ फोटो भी खिंचा सकते थे। और जो वहां पे म्यूजिशियन बैठे हुए थे ये बड़ी अच्छी से वहां पे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, वहां पे बड़े बड़े वुडन के सामान भी थे जिनके साथ फोटो ज्यादा खिंचा रहे थे लोग, ले तो शायद ही कोई रहा होगा क्योंकि इनकी प्राइस ही बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ चीजें वाकई में बहुत खूबसूरत थी जो कि नॉर्मल हमें देखने को नहीं मिलती। ये एलिफेंट था जो कि 2,000 रुपीज का था और बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था और उस हिसाब से महंगा भी नहीं था। फाइनली हम अपने उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर आ गए जहाँ पे योगी जी का जलवा ज्यादा था। योगी जी के ने क्या किया है क्या नहीं इसके बारे में पूरा वो एक लिखा हुआ था। तो गाइज ये थी मेरी ट्रेड फेयर की जर्नी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रगति मैदान जाने के लिए अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो सबसे नज़दीक का जो मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आप उतरकर सीधा प्रगति मैदान जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे पेड पार्किंग भी है, अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो वो आपको भैरव मंदिर और जू मैदान के पास मिल जाएगी। वैसे मैं तो मेट्रो से ही गई थी। ट्रेड फेयर का जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक।